हेलो प्यारे दोस्तों, मैं संगीता गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो रीडर, क्रिस्टल हीलर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मनी मंत्रा कोच। आप सब जानते ही हो कि मैं पिछले 25 सालों से ये रेकी और ये सारी टेक्निक सिखा रही हूँ और सोशल मीडिया में थोड़ी नई नई हूँ और सीख रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ नए नए वीडियोज़ बनाऊँ। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ मेरा काम घर घर में फैले और हर व्यक्ति एक हीलर बने ताकि उसकी लाइफ में खुशियाँ रहें, मस्ती रहे। और जो जर्नी मैंने जी है मस्ती की, खुशियों की, और वो सब अचीव किया है, सब लोग अचीव कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे आप लोग और मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा। तो आज हम चर्चा करेंगे लव के बारे में और एंजल के बारे में। लव एंजल के बारे में करेंगे। तो ये जो है एक एंजल है, पिंक क्वार्ट्ज़ की एंजल है, देखेंगे पिंक क्वार्ट्ज़ की एंजल। और जो एंजल होती है, लव एंजल होती है, शैमुअल। शैमुअल इज़ द एंजल ऑफ लव और शैमुअल हेल्प करता है हमारे को लव को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो एंजल्स जो होती हैं वो एक सटल बॉडी में होती हैं, एनर्जी बॉडीज़ में होती हैं और वो हमारे आसपास होती हैं, और जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं तो वो आती हैं हमारी लाइफ में। तो जब वो हमारी लाइफ में आती हैं, हमें हेल्प करती हैं और हमारी मैनिफेस्टेशंस करती हैं। तो रोज़ क्वार्ट्ज़ की एक एंजल लव मैनिफेस्टेशन के लिए रखना ज़रूरी है। आप एक पिक्चर भी रख सकते हो और उसको डाउनलोड किया जा सकता है नेट से। एक रोज़ क्वार्ट्ज़ लेते हो तो उसकी एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी क्रिस्टल्स में होती है, ज़्यादा होती है। तो रोज़ मेक्स यू फील वेरी नाइस। पिंक कलर इज़ द कलर ऑफ लव, हार्ट चक्रा, और इससे एक बड़ी अच्छी सी ब्यूटीफुल फीलिंग आती है। इसलिए हम क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं क्योंकि वो एमिनेट करती हैं लविंग एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जीज़। तो इसको हम पहले एक उसके लिए ऑल्टर बनाते हैं, एक टेबल पे रखते हैं और इसको क्लीन करना होता है। हम इसको सोक कर सकते हैं ओवरनाइट रॉक सॉल्ट वाटर में। और आज फुल मून लाइट है, होली वाला दिन है, तो बहुत अच्छा रहेगा हम इन्हें एनर्जाइज करें। और इसको ऑल्टर पे रख सकते हैं और इसको हम एक रोज़, एक फूल, एक गुलाब का फूल रोज़ हम इसके आगे इसको समर्पित कर सकते हैं, पेटल्स को कर सकते हैं, और एक अगरबत्ती और दिया इसको जला सकते हैं। और इसको हम प्रे करते हैं कि आज हमारी, हमारे लिए एक हमारी सुंदर सी लव लाइफ मैनिफेस्ट करे। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं वो शैमुअल से अपनी शादी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको 21 डेज करना है लव लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए। 21 डेज आपको ये 21 दिन करना है, रोज़ चढ़ाना है, एक गुलाब रोज़ चढ़ाना है, अगरबत्ती और एक दिया, और अफर्म करना है कि शैमुअल प्लीज़ मैनिफेस्ट माई लव लाइफ विद इन 21 डेज। शैमुअल प्लीज़ मैनिफेस्ट माई लव लाइफ, माई लाइफ पार्टनर विद इन 21 डेज। एंड दो हार्ट शेप रोज़ क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल्स मैंने पहले ऑडियोज़ में बताया है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप करें और आपकी लाइफ में ज़रूर एक अच्छा सा प्यारा सा पार्टनर आएगा। और इसके नीचे एक पर्ची भी रख सकते हैं, जिस तरह का आप पार्टनर चाहते हैं, उसकी क्वालिटीज़, वो कितना कमाए, वो कैसा हो, उसकी लुक्स कैसी हो, हाउ टॉल ही इज़, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, क्योंकि दोनों को ही ज़रूरत है, मेल्स को भी और फीमेल्स को भी लव की। तो अपने पार्टनर का डिस्क्रिप्शन इसके नीचे कागज़ पे रख के और इसके आगे बो करें, इसको मनाएं, इसको प्रे करें, इससे कनेक्ट हों। और एक बार ये आप कभी भी सुबह के टाइम भी कर सकते हैं और शाम के टाइम भी कर सकते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए। शैमुअल इज़ द एंजल फॉर लव। सो आई होप शैमुअल आपकी लव लाइफ जल्दी से मैनिफेस्ट करे। और मुझे बताना आप लोग जिस जिसकी लव लाइफ मैनिफेस्ट हुई है, मैंने अब तक जितने लोगों के साथ काम किया उन सब की लव लाइफ मैनिफेस्ट हुई है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद देयर लव पार्टनर्स। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज ऑल्सो एंड हैव अ वंडरफुल लविंग रिलेशनशिप एंड स्प्रेड लव, बी लव, हैव लव। थैंक यू, बाय बाय।